एशिया कप जिस तरह से ऑन द वे है और नसीम शाह की परफॉर्मेंस काफी अच्छी जा रही है 10 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है क्या प्रेपरेशन जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं हार इस पहले नंबर पे दूसरे पे नसीम है फिर शहीन है विक्टो पे नसीम शाह बहुत अच्छा खेलते हैं हमेशा ही बहुत अच्छा खेलते हैं इंडिया के प्लेयर है रोहित शर्मा है विराट कोहली है तो उनको ज्यादातर जो कोशिश होते हैं वो विराट कोहली को आउट करना क्योंकि दुनिया का नंबर वन प्लेयर है वर्ल्ड कप है आगे अंडर नाइनटीन का इनशाला फिर इंडिया के साथ टाकर होगा दुनिया की जो नजरें हैं वो नसीम शाह पर हैं जमी हुई हैं नजरें किस तरह से वो बॉलिंग करेंगे असल नाजी मैं हूं आपके मेजबान कवल अमाना और आप देख रहे हैं चैनल नाइन नाजी डिस्किन फ्रेम में मौजूद हैं उबैद शाह जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के भाई हैं और ये भी जो है वो क्रिकेट में स्टेप इन कर चुके हैं और आज को आपको मैं बताते चलूँ कि एशिया कप जिस तरह से ऑन द वे है और नसीम शाह की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है आज इनके पास हाजिर हैं क्योंकि जी हम नसीम शाह का इंटरव्यू तो नहीं कर सकते इनसे इनके बारे में भी बहुत सारे सवाल करेंगे और नसीम शाह के बारे में भी कुछ सवाल करेंगे कि आखिर क्या जो है वो मामला चल रहे हैं और जो दस सेप्टर को इंडिया

तो ज्यादातर टाइम नहीं मिलता लेकिन बहुत एंजॉय करते हैं बहुत एंजॉय करते हैं आप जो है वो इस वक्त क्रिकेट में स्टेप इन हो चुके हैं आपको जो है वो मोटिवेशन बैच नसीम शाह नहीं आ, पहले से शौक था और खेलते थे लेकिन फिर जब नसीम भाई टीम में आ गया तो और भी शौक बढ़ गया और उनको देखते तो ज़ाहरी बात है शौक़ बढ़ गया इस वक्त जो उनकी एशिया कप में परफॉर्मेंस जा रही है उसके बारे में आप क्या राय एशिया कप में तो जिस तरह पहले से पाकिस्तान की जिस बॉलर है आ, हर दफ़ा एक शो करते हैं अपने जो नेचुरल है जो पाकिस्तान के साथ है तो एक बॉलिंग की वजह से मशहूर है पाकिस्तान की बॉलिंग और जिस तरह के परफॉर्मेंस कर रहे हारिस रऊ पहले नंबर पे दूसरे पे नसीम है फिर शहीन है विकटों पे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते उसको देख के इंडिया और पाकिस्तान का 10 सितंबर को मैच होने जा रहा है तो क्या प्रपरेशन की गई है नसीम शाह की तरफ मैच का तो यही उनका यही सेम होता है कि उनको जल्दी से आउट कर ले और आ, खुद भी परफॉर्मेंस कर लो और पूरी टीम भी कर ले तो आ, उनको देख के अच्छा लगेगा जबरदस्त हो गया अच्छा मुझे ये बताएं कि जब भी नसीम शाह बहुत अच्छा खेलते हैं हमेशा ही बहुत अच्छा खेलते हैं किसी की विकेट ले लें ले या फिर बहुत अच्छा स्कोर कर लें तो वीडियोस वायरल होती हैं वालदा के साथ तो उनकी वालदा के साथ एफिलिएशन तो काफ़ी ज़्यादा है आ, जी बिल्कुल वालदा के साथ हर माँ जो होती है अपने बेटे के साथ प्यार करते और नसीम का भी उनके साथ उतना ही प्यार था तो आ, मतलब दुख होता है क्योंकि माँ नहीं है पहले माँ ने बहुत सपोर्ट किया है नसीम भाई को और जब उसका सिलेक्शन हुआ तो अम्मी की डेथ हुई तो बहुत ज्यादा दुख होती है तो लोग उनके साथ वीडियोस लगाते हैं जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है आ, देखे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन आ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना ये तो क्रिकेट है क्रिकेट में हार जीत भी होती है और ज़्यादातर मैं कमेंट्स वगैरह जब देखता हो अफानी लोग ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स करते तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कमेंट्स वगैरह ना करें और अपना ये जो क्रिकेट है अपना इंजॉय करें अच्छा आपकी नसीम शाह से गुफ्तु तो होती होगी कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा है मुझे किस इंडियन प्लेयर की विकेट लेनी है कभी उन्होंने तस्करा किया देखिए जिस तरह का इंडिया के प्लेयर है रोहित शर्मा है विराट कोहली तो मुझे लगता है उनको ज्यादातर जो कोशिश होते हैं वो विराट कोहली को आउट करना क्योंकि दुनिया का नंबर वन प्लेयर है बाबर है और विराट कोहली तो आई थिंक यही सोचते कि मैं उनको आउट करूं अगर आपको इंडिया के किसी प्लेयर के विकेट लेना पड़े तो आप किसकी लेंगे मैं पहले टीम में आज बाद में विकेट के तो फिर भी एक ड्रीम होता है ना ड्रीम तो है कि इंडिया के जितनी भी प्लेयर है सबको आउट करो लेकिन टारगेट एक वही है जो अच्छा प्लेयर होता है बंदा उसी को टारगेट करता है तो मेरा भी यही टारगेट होगा विराट कोहली तो अभी जो आप प्रैक्टिस आपकी चल रही हैं ट्रायल्स चल रहे हैं वो कैसे है? जी बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है और अभी तक आज लास्ट डे है फिर इसके बाद कैंप लगेगा फिर तो फिर अगर इसमें परफॉर्म किया तो वर्ल्ड कप अंडर 19 का तो इन फिर इंडिया के साथ होगा इंडिया के साथ टाकर होगा जज्बा है तो इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया की जो नजरें है वो नसीम शाह पर हैं जमी हुई हैं नजरें कि किस तरह से वो बॉलिंग करेंगे और हमेशा से वो अच्छा खेलते आए हैं तो आप मुझे बताएं कि नसीम शाह ने कब स्टेप इन किया था क्रिकेट आ, क्रिकेट बहुत पहले से खेलते हैं तकरीबन हो गया होगा उसका हार्ड बॉल में आठ नौ साल हो गए हार्ड बॉल में तो इससे पहले टेप बॉल खेलता था तो टेप बॉल खेल खेल के गलियों में इस तरह खेल के फिर आगे हार्ड बॉल पे आ गया तो अब आप लोग के सामने कितने साल का था जब जो है वो क्रिकेट का बॉलिंग का शौक है तकरीबन मुझे तो इतना पता नहीं है लेकिन जब से उसको उसको होश आए और जो प्लेयरों को देखते हैं आ, उसको पहले बॉलर जो था वो मोरकल बहुत ज्यादा पसंद था इससे पहले एक नाम था भी मैं भूल गया हूँ लेकिन वो ज्यादातर उसको पसंद था आ, मुझे एक दिन याद भी है कि अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच था और दो बॉल पे पांच स्कोर था अफ्रीकी अफ्रीका की टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था टेन को दो चक्के एक चक्का लग गया दो बॉल पे पांच था तो चिक्का लग गया अफ्रीका हार गया तो मोरकल रो रहा था तो नसीम ने भी बस कम्बल ऐसे करके वो भी रो रहा था हमने देखा तो वो एक हम उसको देख रहे थे उसके मतलब पहले से उसका शौक़ था और जब इतना शौक बंदे का होता है कि वो रोता है लोगों की वजह से तो उसने फिर उस, उसी तरह मेहनत किया तो तकरीबन उसने स्टार्ट किए कोई सात आठ साल का होगा कि उसने स्टार्ट तो किया तो था जी बिल्कुल मेरे साथ ही खेलता था घर में ही खेलते थे उधर गांव में तो इतने फैसिलिटीज़ नहीं होते थे लेकिन घर में खेलते थे घर में खेलते थे तो वालदेन डांटते होंगे पढ़ो रहने दो क्रिकेट में क्या जी बिल्कुल ये तो मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि अबू की तरफ से इजाज़त नहीं था और अम्मी अम्मी को तो पता नहीं थी लेकिन सपोर्ट मतलब नसीम भाई के साथ था उनका तो बहुत ज़्यादा उसको दुआएं दी हमें भी दी कि अल्लाह अपने मकसद में आप लोग जो भी करते हैं मतलब अपने मकसद में आप लोग कामयाब करें और उन लोग उन उनको ये इतने मतलब पता नहीं थी उनको कि क्रिकेट क्या होता है ना उसने कभी टी वी देखी है तो बस सिर्फ यही दुआएं करते थे कि मेरे कैप्टेंस कब मिली कब जो है उन्होंने इजाज़त दे दी कि लो अब खेल लो अब नहीं हम आप करो। देख इस तरह तो नहीं दे रहे थे जब सवात में ट्रायल से तो उधर ट्रायल में जब उसने बॉलिंग की तो जितने भी लोग थे उन लोगों ने कहा कि इस बच्चे में टैलेंट है और उस टाइम मेरे ख्याल से कोई चौदह साल का था तो अंडर सिक्सटीन की उसने ट्रायल दी थी लेकिन फिर उनको अंडरेज किया था कि ये अभी छोटा है तो बड़ों में नहीं खेल सकता तो उस टाइम से फिर लोगों ने कहा कि नहीं इस बच्चे को आप लोगों ने लाजमी कोई अच्छे एकेडमी में इसका एडमिशन करवाना है और इनको खेलना चाहिए फिर अबू को जब पता चल गया लोग के कॉले वगैरह उनको बताया कि आपके बेटे में टैलेंट है तो फिर अबू ने भी सोचा कि अगर इतना टैलेंट है कुछ कर सकता है पाकिस्तान के लिए तो मैं इजाज़त देता हूँ तो फिर उधर से इजाज़ मिल गया जबरदस्त हो गया अच्छा नसीम शाह क्रिकेट में इतना कामयाब है आपको क्या लगता है कि उसकी कामयाबी का राज क्या है कामयाबी का राज तो मैं यही बताऊंगा कि माँ बाप की दुआएं होती है कामयाबी का यही राज और दूसरा उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है हम्म मेहनत बहुत ज़्यादा की है आने वाले वक्त में हम आपको कहाँ देख रहे हैं और नसीम को कहाँ देख जी बिल्कुल मेरा भी अभी स्टार्टिंग है अभी सिक्सटीन ही अल्लाह पिछले साल तो अंडर इनशालाइनटीन है आप लोगों की दुआई चाहिए और आवाम की दुआई चाहिए कि ये जो है इसमें परफॉर्म करो और आगे टीम में आ जाओ अच्छा कोई ऐसा वाक बचपन का जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो थोड़ा फनी भी हो लेकिन पता चला कि आपको क्रिकेट के साथ बड़ा लगावट फनी तो एक है वो जो मुझे याद है मेरे सामने वो हम रमजान का एक टूर्नामेंट हो रहा था तो घर से जैसे मैंने आपको बताया कि घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी लेकिन फिर दोस्तों ने उनको कहा नसीम भाई कि आपने लाजमी हमारे साथ मैच पे जाना है टेप बॉल का मैच था तो नसीम ने यही सोचा अबू को कहा कि मैं मस्जिद जा, जा रहा हूँ और मैं तिलावत करूँगा अच्छा। मतलब रमज़ान में करते मस्जिद में ऐसे लड़के जाते उसने टूपी ले ली और मैं भी बाहर था तो अकेला तो नहीं जाता था हर जगह जब जा पे भी जाता था तो मुझे साथ ले जाता कि आप मेरे साथ आ जाए तो हर जगह पे मैं होता था उनके साथ तो जब हम चले गए अब तकरीबन तीन बज गए रात के हाँ दरवाजे सब कुछ बंद थे अबू ने तो ये सोचा कि मस्जिद में होंगे उधर सुबह आ जाएंगे तो जैसे तो जैसे हम लोग आए दरवाजे सब कुछ बंद थे फिर हमारे घर के पास एक बाघ है वो भी मतलब घर के पास ही है तो उस बाघ पे हम चढ़ के मतलब फिर हमने सोचा ऊपर छत पे अबू सोता है गर्मियों में अक्सर वो छत पे सोता था तो हमने सोचा कि अब ऊपर अबू है लेकिन फिर एक लड़की सॉरी एक लक, लकड़ी पड़ी थी उधर तो लकड़ी पकड़ के मैंने आ, उसको पकड़ा तो वो ऊपर चढ़ गया जब वो छत पे चला गया तो नीचे मैं था मैं रह गया मैंने कहा तो क्या वाजें भी है अब मैं किस तरह आऊँ तो उसने ऊपर से ऐसे करके उसने वो लकड़ी उसने पकड़ी तो मैं ऐसे ऐसे हो के ऊपर चला गया जब चला गया हमने सोचा कि अब चार पाई है अब्बू अगर हम इसके सामने से जाए ऐसे ना वो, वो उठ जाए तो फिर नसीम भी ऐसे जो नहीं होता बन गए के ऐसे चले गए तो सीढ़ी पे उतर के ना जब हम जा रहे थे तो अबू नीचे खड़ा था ऐसे कहते किधर गए थे आप लोग किधर से आए हो इस टाइम आप लोग दीवार के ऊपर से आप लोग आगे छत पे तो आप लोग किधर से आ गए तो मैं मैंने तो बस कहा कि मैं इनके साथ गया था <laughs> तो फिर नसीब ने इस तरह कहा कि हम मैच खेलने गए तो बस उनको फिर उसी टाइम मार पड़ी फिर जब सुबह हम लोगों को ये बता रहे थे तो ज्यादा हंस रहे थे बाकी इस तरह तो बहुत उसने मार खाई है लेकिन ये के पीछे नसीब ने बहुत मार बहुत ज्यादा मार खाई फिर भी छोड़ा क्रिकेट फिर भी नहीं छोड़ा जिस तरह उसने बढ़ गया तो आप लोगों के सामने मेहनत का नतीजा है bye